नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ भूपेश टांडिया। तो खबर है जांजगीर चांपा जिले से, जहां बच्चों को वितरण किए जाने वाले साइकिल को पानी से भरे मैदान में रखा गया है। यह शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जी हां, जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आने वाले नवागढ़ के राचा भाटा के स्कूल में सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सरस्वती साइकिल योजना के तहत स्कूली बच्चों को साइकिल वितरण किया जाता है, जिसे कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रा को वितरण किया जाता है। परंतु यहां शासन की ओर से घोर लापरवाही नजर आ रही है। साइकिल के सामानों को खुली जगह पर रखा गया है, जहां पानी भरा हुआ है। स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, जिला शिक्षा अधिकारी की भी लापरवाही साफ साफ नजर आ रही है। सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके स्कूली बच्चों के लिए साइकिल भेजी है, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा सुरक्षित जगह पर उसे नहीं रखा गया है। बच्चों को वितरण भी करना है, वहां के कर्मचारियों के द्वारा बताया गया है कि हमें साफ सुरक्षित जगह नहीं मिली, पर यहां कोई व्यवस्था भी नहीं है। यही हम लोगों को जगह दिया गया है, जहां हम लोग साइकिल तैयार कर स्कूलों तक शिक्षा विभाग के द्वारा सभी स्कूलों में पहुंचाया जा रहा है। हम लोगों को भी खुले मैदान में काम करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, परंतु क्या करें, यहां अधिकारियों के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है और यहां पानी भी काफी भरा हुआ है। व्यवस्था तो हमारे लिए नहीं दिया है, हम रूम मांगा था लेकिन रूम नहीं मिला हमको। हाँ, भरे बरसात में पानी में आप खुद देख रहे हो। हाँ। और इस पानी में सब साइकिल रखा गया है, तो इसके लिए कुछ बोलना चाहते हो? क्या बोलेंगे सर, हमको तो जगह ही नहीं मिला। जगह मिलता तो हम सही तरह रख लेता। जगह ही नहीं मिला आप लोग? जगह ही नहीं मिला।